दोस्तों सरल पर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए आज हम लोग एक गांव में इस तरह सरल मनाते हैं, सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं। तो देखिए बहुत से लोग हैं कि आज सुबह में पूजा हो चुकी है, तो अभी हम लोग झंडा देने के लिए जा रहे हैं। देखिए पीछे से हम लोग की टीम आ रही है, हम लोग झंडा लेकर के जा रहे हैं क्योंकि हम लोग मुंडा समाज से हैं। तो हम लोग का हरा वाला झंडा आ रहा है, जैसे इसमें एक कलर और एड है और ये पौराणिक झंडा है। लेकिन देखिए समय के साथ में थोड़ा सा चेंज हुआ और इसके साथ में देख सकते हैं अलग अलग इस तरह का झंडा भी देखने को मिलता है, लेकिन सब मिलता जुलता एक ही चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। होता ऐसा है कि समय के साथ में जिसकी पॉपुलरिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है उसी को लोग अपनाते हैं, क्योंकि देखने में भी काफ़ी अच्छा था। और समय के साथ देखिए हम लोग अपना संस्कृति बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी आदिवासी हैं सभी लोग आग्रह करते हैं कि अपनी जो संस्कृति है, खास करके झारखंड में जितने भी इस तरह के रीति रिवाज हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन बहुत से लोग जो हैं अपने रीति रिवाज को भूलते ही जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड जो है आदिवासियों का राज्य है, आदिवासी ही सबसे ज़्यादा इसमें वास राज करते हैं। बहुत पहले से जो आदिवासी हैं यहाँ के मूल आदिवासी, वे लोग यहाँ के मुख्य आदिवासी हैं। और यहाँ पर देखिए आदिवासी के नाम से लोग अब बिखरे पड़े हैं। तो सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस तरह से एकजुट मिलजुल के रहना है। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा होगी और आगे दिखाएं तो आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग पहले से आए हुए हैं और यहाँ भी कार्यक्रम चालू है। और हमारी जो टीम है जस्ट पीछे आप लोग देख रहे हैं, और पहले के जो रीति रिवाज था उसमें ढोल नगाड़ा से ही सारा सांस्कृतिक काम होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। उसी को हम लोग बचाए रखने के लिए, अपना सांस्कृतिक और धर्म को बचाए रखने के लिए, यानी कि जितने भी आदिवासी हैं सभी को एकजुट करने के लिए, एक संदेश देने के लिए इस तरह से फिर से हम लोग बाजे गाजे के साथ में जुलूस निकलते हैं एक साथ में, ताकि लोगों को भी पता चले कि झारखंड में जितने भी आदिवासी हैं सभी लोग को एक्टिव होना है और एकजुट होके बाकी जितने भी आतिथायु हैं उन सबों से मुकाबला करना है। तो इसके लिए क्या है कि सभी आदिवासियों को एकजुट रहना होगा और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले से कार्यक्रम चालू है और बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग का टीम है, देखिए कितना बजा गजा के साथ में आ रही है। और क्योंकि यहाँ सामने से बात कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज थी, इसलिए दूर चले गए। तो सुनिए एक बार इन लोगों इस तरह से जा रहे हैं। पहले हम लोग सरना का परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा पूरा होने के बाद झंडे गाड़ेंगे और अपने अपने तरीका से जल अर्पित करेंगे, यानी जो भी इसका पारंपरिक है जिस तरह से हम लोग पहले से
पूजा करते आए हैं, जिस तरह से रीति रिवाज है उसी रीति रिवाज से हम लोग पूजा पाठ करेंगे। हालांकि पहान द्वारा मुर्गा पहले पूजा जा चुका है और उसका बाहर में खिचड़ी बन रहा है, तो हम लोग जल अभी तक नहीं दिए हैं सरना में, तो पहले जल देते हैं। जहार जहार। आप कखन अलग तो हम बिहाने से चला कोई नहीं। तो दोस्तों एंजॉय करते करते काफ़ी समय हो गया और आज शाम ढलने वाला है, तो आज हम लोग पूजा करने के बाद अपने गांव में ही जुलूस निकलते हैं। तो बस यहां पर इतना हिस्सा देखेंगे, उसके बाद में जुलूस निकलने की तैयारी भी साइड में चल रही है। तो चलिए अब जुलूस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितने देर तक लोग गाँव में घूमते हैं। हालाँकि शाम तो हो ही जाना है क्योंकि साउंड ले के गाड़ी निकलती है और उसी के साउंड आगे आगे जाती है और हम लोग पीछे पीछे जाते हैं नाचते हुए, और इसी तरह का जुलूस होता है, पूरा गांव देखती है। और पूरा गांव के लिए दोस्तों चना और शरबत पानी का इंतज़ाम भी किया जाता है, तो काफ़ी भव्य तरीके से हम लोग अपने गांव में मनाते हैं। तो आइए
देखते हैं कि आगे किस तरह से इंतज़ाम किया जा रहा है। और दोस्तों ये है टहरी यानी कि खिचड़ी है, इसमें जो यहाँ पर मुर्गा का बलि दिया गया था उसी का यहाँ पर चावल के साथ में खिचड़ी बना रहे हैं, यानी कि इसे हम लोग टहरी बोलते हैं। तो टहरी बनाया जा रहा है और इसे प्रसाद के रूप में पूरा आदिवासी समाज ग्रहण करती है, यानी थोड़ा थोड़ा सभी लोग खाते हैं इसे प्रसादी के रूप में। तो देखिए यहाँ से कुछ लोग फोटो वोटो भी खिंचा रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरह सजाया गया था। हालांकि अब यहाँ से जुलूस हम लोग आगे निकल रहे हैं, निकलने वाले हैं, बाकी खाने वाले लोग यहाँ खाएंगे। और दोस्तों ये जो प्रसाद है इसे महिलाओं को खाना वर्जित है, महिलाओं को नहीं दी जाती है, सिर्फ जेंट्स लोग ही खाते हैं। आई होप गाइज कि आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। जैसा हम लोग जुलूस निकलते हैं, जिस तरह से हम लोग एक साथ पूरा गांव के लोग शामिल होते हैं, यानी कि सिर्फ आदिवासी नहीं गैर आदिवासी लोग भी इसमें शामिल होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है और मिलजुल के हम लोग मनाते हैं। तो देखिए हम लोग अभी बाबू के साथ में है, ये पंचू का भतीजा है। अपना नाम बताओ। हेलो गाइस, मेरा नाम विज्ञान सुपान है और अभी हम लोग आए हैं सरना। अभी देखिए उधर खाना बन रहा है, अभी सब चीज होगा, अभी खाएंगे हम लोग फिर बाजार तरफ चलेंगे। चलिए आपको न्यू ब्लॉक में मिलाते हैं। तो गाइस बड़ा अच्छा बात करता है और ये रांची शहर में रहता है, रांची में पढ़ाई कर रहा है। कौन सी स्कूल है? हिरालाल पब्लिक स्कूल। तो ये रांची में पढ़ाई करता है, अभी गांव घूमने के लिए आया है और ये लोग रांची में ही रहते हैं। और देखिए आदिवासी गेटअप में बड़ी अच्छा लग रहा है। देखिए पोशाक कौन खरीद दिया था? हा? कौन खरीद दिया? मम्मी डांस कर रहे थे वो डांस वाला है। हाँ। अच्छा तो है, खाली को ही लगा गमछा कमी हो गया था, ये भी पूरा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर खिचड़ी बन रहा है, देखिए इतने सारे लोग अभी बैठे हुए हैं, सभी लोग खिचड़ी बन चुका है। तो अभी खिचड़ी मिल बांट के सभी लोग खाएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये खिचड़ी खाने के बाद में हम लोग जुलूस तरफ चलेंगे। जो लोग नहीं खाते हैं या इतने लोग रहेंगे तो जुलूस में देरी होगा, इसलिए वे लोग आगे निकल चुके हैं। तो अभी पूरे हम लोग गाँव में एक चक्कर जुलूस घूमेंगे, और क्योंकि आज जो है 10 तारीख है और 10 तारीख में हम लोग जुलूस मनाते हैं, सरहुल मनाते हैं, और बाकी जगहों में एक दिन के बाद मनाया जाता है। तो हम लोग और किसी गांव में आज के दिन मनाते हैं, तो हम लोग आज ही मनाते हैं द्वितीया में, कहीं कहीं तृतीया मनाते हैं। तो कल सभी जगह जुलूस रहेगा, बड़े बड़े जितने जुलूस आयोजन किए जाते हैं सभी जुलूस कल होंगे। लेकिन आज हम लोग देखिए हम लोग के गाँव में हम लोग जैसे पहले पूजा होता है तो हम लोग गाँव में पहले ही हम लोग निकलते हैं। क्या चीज़ दिखाने ले जा रहे हैं? मम्मी वाला नमन भेजेंगे। कहाँ ले जा रहा है? नीचे नीचे पीछे पीछे। देखिए गाइस छुप छुप के वीडियो बनाता है, चलो कोई नहीं देख रहा है। देखिए अभी इधर धान लगाया हुआ है, देखिए उधर सब कुछ है, देखिए यहाँ पे बैलून सब टांगा हुआ है, तिरंगा झंडा है, देखिए उधर पे डॉगी लोग हैं। अभी हम लोग आए हैं सना का पीछे वाला तरफ। नहीं कहतेगा। अभी देखिए उधर कटहल पेड़ है, कटहल दिखाते हैं आप लोग को। देखिए अभी हम लोग आए हैं सना तरफ, देखिए अभी सब बैठ गए हैं खाने के लिए। फाइनली दोस्तों जुलूस घूमते घूमते काफ़ी शाम हो चुका है और हम लोग अपने गांव में पूरे एक चक्कर घूम चुके हैं। और यहां पर मड़ई है तो यहां पर काफ़ी अच्छा स्पेस है नाचने के लिए, और देखिए इसलिए यहां पर काफ़ी धूमधाम से लोग नाच रहे हैं, कुछ समय तक नाच रहे हैं, आधा घंटा ज़्यादा समय हो गया दोस्तों। तो आज का ब्लॉग सिर्फ यहीं तक, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड, हैप्पी सरहुल।